हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुलेखन। आज हम लोग अनुलेखन को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, क्या समझना क्या है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन की डिफिनीशन क्या है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो डीएनए के अणुओं के जीन्स पर आरएनए के जो है आरएनए अणुओं का संश्लेषण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, तो डीएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। या एक और भाषा में समझना चाहें तो एटीजीसी का एयूजीसी में ट्रांसक्रिप्ट होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। डीएनए अणुओं के जीन्स पर आरएनए का संश्लेषण, आरएनए अणुओं का संश्लेषण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो माता पिता से संतानों में जाता है, बट आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। आरएनए क्या होती है, आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, बाकी सभी जीवों में जो आरएनए होता है उसका निर्माण डीएनए पर ही होता है। डीएनए के अणुओं के जीन्स पर ही एमआरएनए का निर्माण होता है। तो जो आरएनए होता है उसका निर्माण किससे होता है, डीएनए से ही होता है। तो अगर हम समझना चाहें तो डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो हमको आज की प्रोसेस में यही समझना है कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कैसे होगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। हमको इस प्रोसेस में यही समझना है ट्रांसक्रिप्शन कैसे की प्रोसेस क्या है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो थ्री स्टेप में होते हैं। तीन प्रोसेस होती हैं इसकी। कौन कौन सी तीन प्रोसेस हैं? सबसे पहले हम समझेंगे इनिशिएशन, फिर समझेंगे इलॉन्गेशन, फिर समझेंगे टर्मिनेशन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इनिशिएशन से। क्या होता है इनिशिएशन? तो ये हमारा क्या है, ये एक डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। इस डीएनए में जो डीएनए होता है उस डीएनए के सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो प्रमोटर रीजन से होती है। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, प्रमोटर रीजन से। तो हम लोग ये समझते हैं कि यह प्रमोटर आखिर क्या होता है। तो प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन होना प्रारंभ होगा, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, उस रीजन को, उस रीजन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो जो प्रमोटर है ये 5' से ठीक पहले जो डीएनए होता है उस डीएनए के डीएनए पर नाइट्रोजनस बेस का एक विशेष सीक्वेंस होता है। 5' से ठीक पहले नाइट्रोजनस बेस का एक विशेष सीक्वेंस होता है डीएनए पर, उस विशेष सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। और उस प्रमोटर से ही आकर क्या जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो है सहायता से ही आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर डीएनए के प्रमोटर रीजन से जुड़ जाएगा। और डीएनए के प्रमोटर रीजन से जुड़ने के बाद ये क्या, अच्छा एक चीज यहां पर ये भी समझ लीजिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कैसे होगा, तो वो 3' to 5' की दिशा में होता है, 3' to 5' की दिशा में होता है। तो जो प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या होता है, यहां पर देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो क्या करेगा, इन डीएनए के दोनों खंडों को, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड थे उन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो तोड़ देगा, लिक्विफाइंग कर देगा, और लिक्विफाइंग यानी अलग कर देगा दोनों। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो मतलब क्या हो गया, दोनों धागे अलग हो गए ना, देखने में पता चल रहा है। यहां पर नाइट्रोजनस बेस होंगे, यहां पर मान लीजिए ए है तो यहां पर टी हो जाएगा, यहां पर सी है तो यहां पर जी हो जाएगा। डीएनए में तो यही होता है ना, डीएनए में क्या होता है, ए टी जी सी, यानी अगर ए है तो उसके सामने टी आ जाएगा, टी है तो जी हो जाएगा, जी है तो सी, सी है तो जी हो जाता है। हमको क्या बनाना है, आरएनए का निर्माण करना है। आरएनए में क्या बदलाव हो जाएगा, आरएनए में बदलाव होता है ए यू जी सी, क्या हो जाएगा, ए यू जी सी, यानी ए है तो यू हो जाएगा, यू है तो जी हो जाएगा, यू है तो सॉरी ए हो जाएगा, जी है तो सी, सी है तो जी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो दोनों नाइट्रोजनस बेस थी इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दोनों नाइट्रोजनस बेस जो यहां पर पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़ने के बाद दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद एक जो ऊपर का जो स्ट्रैंड होगा उसको कह देते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और नीचे वाले को कह देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो इसको ये जो है ये ऊपर वाले नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको क्यों कहा और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अनुपूरक होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर ही एमआरएनए का संश्लेषण होता है। तो यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, एमआरएनए अणु के बनने की स्टार्टिंग हो जाएगी और ये 3' to 5' की दिशा में होता है। जब स्टार्टिंग हो गई, यहां से दोनों धागे अलग हो गए, यानी कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग हो गए, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर क्या हो जाएगा, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो भी कोडान होंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर ए है तो इस ए के सामने यहां पर यू आ जाएगा, यहां पर जी है तो कौन सा नाइट्रोजन बेस आ जाएगा, सी आ जाएगा, और एमआरएनए का बनना प्रारंभ हो जाएगा, एमआरएनए का संश्लेषण स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा, इनिशिएशन मतलब प्रारंभ होना ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो गया, अब हम क्या देखते हैं सेकंड स्टेज में, सेकंड प्रोसेस में क्या होता है। तो सेकंड प्रोसेस क्या, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। अब यही जो ट्रांसक्रिप्शन था, जो ट्रांसक्रिप्शन होना प्रारंभ हुआ था, जो एमआरएनए का निर्माण प्रारंभ हुआ था, ये प्रोसेस अब आगे बढ़ेगी। यानी जो ये क्या कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डीएनए के जो खंड थे, डीएनए के जो दोनों खंड थे, उन डीएनए के खंडों पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ चला जाएगा और उसी पर एमआरएनए का संश्लेषण होता जाएगा। प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है, प्रमोटर रीजन, और यहां पर क्या दिख रहा है, टर्मिनेशन रीजन। यहां पर प्रोसेस आगे की ओर बढ़ रही है। तो प्रमोटर का मतलब तो वही हो गया जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। जब प्रोसेस ये स्टार्ट हुई थी वो तो प्रमोटर रीजन था, बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो कहां से होगा, प्रमोटर रीजन से। प्रमोटर रीजन का मतलब क्या हो गया, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ गया था, तो ये प्रमोटर रीजन था। अब जैसे ही ये प्रोसेस, अब यहां पर एमआरएनए का निर्माण हो गया, एमआरएनए का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो जैसे ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ी, जो पीछे के डीएनए के दोनों धागे थे वो फिर से क्या हो जाएंगे, रिवाइंड हो जाएंगे। डीएनए फिर से आपस में बाइंड कर लेगा, डीएनए आपस में दोनों धागे जो है आपस में बाइंड हो जाएंगे, डीएनए रिवाइंड हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, और ये रीजन क्या था, प्रमोटर रीजन था। जब आगे की ओर प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई और आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट, यानी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते जा रहे हैं, और अलग होने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन था, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उस स्ट्रैंड पर क्या होता जा रहा है, एमआरएनए का निर्माण होता जा रहा है। एमआरएनए का निर्माण कैसे होगा हमको समझना है। तो एमआरएनए का निर्माण कैसे होगा, जैसे हम लोग ये समझते हैं कि यहां पर, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए था, यह नाइट्रोजन, यहां पर ए था, यहां पर जी था, तो यहां पर जब एमआरएनए का निर्माण हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंटीकोडान यू आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसे ही एटीजीसी का किसमें ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, एयूजीसी में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और एमआरएनए का निर्माण होता जा रहा है। यही प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी और फिर लास्ट, ये अगले स्टेज में टर्मिनेशन रीजन, यानी हमने अगले स्टेप में क्या, इलॉन्गेशन का मतलब वही आगे बढ़ रही है। फिर तीसरे स्टेज में, तीसरे प्रोसेस में हम क्या समझेंगे, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, अब एंड होना, यानी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। कैसे पता चलेगा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, यानी जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद उसमें एक ऐसा सीक्वेंस आ जाएगा आगे, जब ऐसा सीक्वेंस आ जाए जिसमें जो है वो जो नाइट्रोजन बेस है वो आगे और पीछे से दोनों तरफ से हमको क्या लगे, समान लगे, आगे पीछे दोनों समान लगे। समान लगने का मतलब क्या है, हम आगे से भी पढ़ें और पीछे से भी पढ़ें, दोनों तरफ से पढ़ने में समान हो। जैसे अगर हम एक सिंपल आसान भाषा में समझे तो क्या समझ सकते हैं, जैसे हमने एक नाम ले लिया मलयालम, मलयालम में हम क्या देखते हैं कि चाहे इधर से पढ़ें, चाहे उधर से पढ़ें, चाहे सीधे पढ़ें, चाहे उल्टा पढ़ें, मलयालम पढ़ने में तो वही मलयालम शब्द ही आएगा। नमन, नमन का मतलब क्या हो गया, चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, पढ़ने में तो वही नमन ही आएगा। ऐसे ऐसा सीक्वेंस आ जाए, जब डीएनए के ऊपर ऐसा सीक्वेंस आ जाए जिसमें आगे से भी पढ़ने पर और पीछे से भी पढ़ने पर जो दोनों तरफ से आगे, यानी 3' to 5' और 5' to 3' दोनों तरफ से हमको क्या लगे कि नाइट्रोजन बेस जो है वो समान लगे, ऐसा सीक्वेंस जब आ जाए, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं,
इस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। और यही पैलिंड्रोम सीक्वेंस आने का मतलब क्या हो गया कि mRNA का निर्माण यानी mRNA का संश्लेषण पूरा हो गया है और टर्मिनेशन रीजन आ गया, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ गया यानी टर्मिनेशन रीजन आ गया, यानी mRNA का निर्माण हो चुका है। बात समझ आई? तो वही चीज हमको क्या देखनी है टर्मिनेशन में, कि टर्मिनेशन में जब टर्मिनेशन सिग्नल उसको मिल जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको मिल जाएगा, mRNA को ऐसा लग जाएगा कि हाँ ऐसा कोडान, ऐसे जो है नाइट्रोजन ऐसा कोडान आ गया जो आगे से पढ़ने पीछे से पढ़ने में दोनों समान लग रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस आ गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेशन रीजन कहते हैं। यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का आना क्या कहलाता है, टर्मिनेशन रीजन आता है, टर्मिनेशन रीजन कहलाता है। और जब ऐसा सिग्नल इसको mRNA को मिल जाएगा तो यहाँ पर एक लूप जैसी संरचना बन जाएगी, यानी कि टर्मिनेशन सिग्नल इसको मिल गया और ये जो mRNA था mRNA क्या हो जाएगा DNA से अलग होकर बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद जो DNA था वो वापस आपस में फिर से बाइंड हो जाएगा और जो mRNA था वो जो है ये mRNA का निर्माण हो गया। और हमको ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखना था कि DNA से mRNA का निर्माण कैसे हो रहा है। तो DNA से mRNA का निर्माण हो गया, RNA पॉलीमरेज़ एंजाइम वहां से हटकर क्या हो गया, RNA पॉलीमरेज़ एंजाइम रिलीज हो गया, हट जाएगा और फिर किसी दूसरे रीजन पर जाकर टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो बात समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से RNA का बनना, यानी DNA अणुओं के जीन्स पर RNA के अणुओं का संश्लेषण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कितनी प्रोसेस होती है, तीन प्रोसेस होती है, कौन कौन सी, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हो गया, RNA का बनना यानी RNA का स्टार्टिंग हुई, RNA के बनने की क्या हो गया, RNA पॉलीमरेज़ एंजाइम आकर प्रोमोटर साइट से जुड़ गया, प्रोमोटर रीजन से जुड़ गया। प्रोमोटर क्या था हम बता चुके हैं, RNA पॉलीमरेज़ एंजाइम आकर प्रोमोटर से जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जुड़ने के बाद RNA पॉलीमरेज़ एंजाइम DNA के दोनों पार्ट, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद इस जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था उस स्ट्रैंड पर क्या, उस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, इसको ही हम लोग ये भी इसको नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसको जो है सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो नॉनसेंस स्ट्रैंड पर या टेम्पलेट स्ट्रैंड पर या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर क्या हो जाएगा, mRNA का बनना स्टार्ट हो जाएगा। बनने के बाद इलॉन्गेशन यानी यही प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ने के बाद जब टर्मिनेशन रीजन आ जाएगा यानी ऐसा रीजन आ जाएगा यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख जाएगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जब ऐसा सीक्वेंस आ जाए जो आगे और पीछे दोनों पढ़ने में समान लगे, ऐसे सीक्वेंस को क्या हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ जाएगा मतलब टर्मिनेशन रीजन आ गया, यानी कि यह सिग्नल क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो गया है और mRNA लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, जो mRNA था वो टर्मिनेशन सिग्नल पाकर वहां पर एक लूप जैसी संरचना बन जाएगी और mRNA DNA से अलग हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा, DNA फिर से बाइंड हो जाएगा और हमारा mRNA का निर्माण हो गया और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।